हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच, और मैं हूँ रहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक नया व्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है, जो कि आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा, व्हाट आई ईट इन अ डे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में आज मैंने क्या क्या खाया और क्या क्या खाती हूँ। नॉर्मली खाती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली खाती हूँ, लेकिन आज दिखाऊंगी मैं आपको कि आज के दिन में मैंने क्या क्या खाया। तो ज़्यादा पक पक ना करते हुए, ज़्यादा फालतू ना करते हुए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So let's get started. तो आज की सुबह तो हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 10:30। मैं जानती हूँ आजकल कुछ लेट उठ रही हूँ मैं, और लेट हो रहा है 10:30 बजे। बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हुए हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए हुए हैं, और घर बैठने वाले घर पे ही हैं। और 10:30 हो गया है, अब बारी है मेरे ब्रेकफास्ट की। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया हुआ है, और मैं आपको, और ब्रेकफास्ट में मैंने डाली है दो परौंठियाँ, आलू की सब्ज़ी, दही वाले आलू और चाय। ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है, और मैं अब अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट का लुत्फ़ लेते हैं। बाहर मौसम है बहुत सर्दी वाला, बादल चढ़े हुए हैं, तो चाय की चुस्की के साथ सर्दी और उसमें चाय, माइंड ब्लोइंग आइडिया। यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी, और बाहर एक ज़रूरी काम था, तो आते आते मैंने कहा क्यों ना रसालिका से चाट पापड़ी भी लेके आऊँ। तो ये मैं रसालिका से चाट पापड़ी लेके आई, और अब मैं चाट पापड़ी का मुआयना कर रही हूँ और इसको देख रही हूँ कि ये टेस्ट में कैसी है और कैसी नहीं है। खाने का वक्त आ गया है, और इस वक्त जैसे कि बज रहे हैं 2:30,
आज ब्रेकफास्ट भी लेट था, तो जाहिर सी बात है लंच भी लेट ही होगा, तो 2:30 बज रहे हैं। मेरा खाना मैं ले आई हुई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं दोपहर के खाने में क्या खा रही हूँ। ये है चावल, ये है बंद गोभी की सब्ज़ी और ढेर सारा टमाटरों का सैलेड। तो ये है मेरा खाना और हम अपने इसको लुत्फ अंदोज होते हैं अपने खाने से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोपहर के खाने के बाद फिर मुझे कुछ मन कर रहा था कि मैं फिर से कुछ और खाऊं, तो मैंने अपना फ्रिज खोला और देखा कि वहाँ पे सूंड पड़ी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना आप सूंड थोड़ी सारी चखी चाहिए, वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के टाइम में सूंड खानी चाहिए। सूंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई होती है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देसी घी डलता है, बाकी बहुत कुछ डलता है। मैं कभी आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। ये डलता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, अंदर से आपको ताकत भी मिलती है और ये सर्दियों में खाना चाहिए, आपको गर्माहट भी मिलती है। तो फिर मैं सूंड का लुत्फ लेते हुए, और मज़ेदार थी ये सूंड, और क्या मैं बताऊँगा आपको। अब शाम के 5 बजे का टाइम था चाय पीने का, लेकिन मैं चाय ज़्यादा तो पीती नहीं हूँ, इसीलिए जानू ने कहा मम्मा क्यों ना हम चॉकलेट शेक बनाते हैं। तो मैंने भी कहा क्यों नहीं, तो हम तीनों ने चॉकलेट शेक पिया और जानू ने मुझे बना के दिया। वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट पिटा है मेरा। मज़ेदार सुकून भरा गिलास। मेरा पुत्र वैसे है बेस्ट शेफ, अच्छा बन सकता है। अगर इसका इंटरेस्ट हुआ ना होटल मैनेजमेंट करने का या कुछ ऐसा वैसा, तो मैं इसको शेफ बनने की परमिशन बिल्कुल दे दूंगी। क्या झकास बनाया, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ेदार है। थैंक यू जानू, वेलकम। तो ये है मेरा रात का खाना।
ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैंने खाने में दो चपाती ली है और चने की सब्जी ली है और मीठा दही लिया है जिसमें मैंने चीनी डाली है। मैं जानती हूँ दही को रात को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मन कर रहा है आज तो सोच रहे खा लेते हैं। ठीक है, तो ये है रात का खाना, अब हम खाते हैं। एंगल वेंगल सही आ रहे हैं। चीनी मैंने इतनी डाली है ना, आई लव मीठा, मीठा मेरी जान है। तो गाइस अब हो गई है रात, रात के बज रहे हैं 10:30। आज सब कुछ लेट लेट था, लेकिन दिन काफ़ी हद तक अच्छा था। तो बोलिए क्या, तो व्लॉग शूट करी है? हाँ व्लॉग शूट कर रही थी। ये क्या लाया तूने, वो ट्राई किया था तो खाना खजाने का रशियन सैलेड? हाँ मेरा इसी पे बहुत मन था। तो नहीं बोला था। मैं अपनी खाती हूँ। मैं चेंज करूँ तब तक? मैं चेंज करूँ तब तक? खाना खजाना से लाया है? हाँ मैं चेंज कर लूँ? हाँ कर लो। ये खाना खजाना से लाया हुआ है, ये इसके साथ नैपकिन्स, एक फोक, एक चम्मच, और ये रहा रशियन सैलेड। तो ये खाने को तो अब आओ, एक काम करो ज़रा मुझे शूट करो, मैं इसको टेस्ट करूँ। मैं चेंज तो करूँ? नहीं जी, अब तो शूट करना है मुझको। ये आया है 10:30 बजे, मैं रशियन सैलेड खाऊंगी। पेट फुल है लेकिन मन फुल नहीं है, दिल फुल नहीं है। जितना चाहें पहले लोगो अच्छा, पैकिंग अच्छी की है उन्होंने, पहले से अच्छी पैकिंग है। नहीं साइड भी देखना इसकी, पीछे गोल्डन कलर में बॉक्स देखने, दिख रहा है मैं आ रही हूँ। पैकिंग अच्छी है। हाँ दिख रहा है मैं आ रही हूँ। नहीं पहला इसका टेस्ट अच्छा, पता नहीं अभी कैसा गया। लेकिन जो पहले वाली बात थी ना, वैसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि रशियन सैलेड तो रशियन सैलेड है। जो पहले वाला ज़्यादा टेस्टी था, पहले वाला यम था जो हम पहले खाते थे। तो अभी ये यमराज? हम्म, यमराज है। हम्म, अभी ये कैसा है?
ये भी बुरा नहीं है ये कह सकती हूँ. As you wish. इसमें पाइनएप्पल है, बीन्स है. बीन्स ना इसी में टेस्ट लगती है ना. बीन्स ऐसी में टेस्ट लगती है, सब्जी में नहीं. कैरेट है. कैसा है? पहले वाला सही था. तुझे याद है हमने पहले ही खाया था ये उसके कंपैरिजन में कैसा है? मतलब कितने मार्क्स? वो तो 10 out of 10 था ना. वो तो 10 out of 10 मुझे लगता है. 10 out of मतलब जिस उम्मीद से तूने मंगवाया था तो वह वैसा है नहीं है. वैसा नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है. चलो अभी काम करते ना. जैसे वही आ गया ना, ये वही बात हो गई. जैसे वैसे वो चाट पापड़ी वाला कैसा रहा? वही मैं बताने लगी तो ये वो बात हो गई कि मैंने बीकानेर की चाट पापड़ी भी खाई और एक और कहाँ से लाई थी, ये रसालिका. रसालिका से मिलाई थी. बीकानेर की चाट पापड़ी जो थी वो थी 80 रुपए की और रसालिका की जो चाट पापड़ी थी वो थी 120 रुपए की. हाँ वो मुझे भी लगा था क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा कम थी. लेकिन बीकानेर की अगर दोनों में कंपैरिजन आप करने के लिए जाओ तो बीकानेर की मुझे, मैं अपना अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वर्ल्ड बेस्ट लगी. वर्ल्ड बेस्ट मतलब बहुत जबरदस्त थी. आप उसको खाते हो आपका पेट फुल हो जाता है. नहीं मैंने टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन उसके कंपैरिजन में आप रसालिका की खाओ, प्राइस बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी भी कम है और वो टेस्ट भी नहीं है ऐसा. ना दारा सिंह चाट पापड़ी उसको ट्राई करें. हाँ खाने के तो आई एम ऑलवेज रेडी. कल आते हैं. उसमें मैंने सोचा, मैं सुना हुआ है ऐसे यूट्यूब पे ही देखा हुआ ना, सोशल मीडिया पे भी देखा हुआ है. बड़ा उनका वो है कि वो बाउल बनाया हुआ सबसे बड़ी चाट पापड़ी वो ना वो बोलते हैं कि. हाँ खाने के लिए तो मैंने कहा ना आई एम ऑलवेज रेडी. तुमने फुट रही है. फुटने के लिए तो इंसान जिंदा है. चल अब मैं भी फुटू, कुछ खाने छाने मिल सकता है. बाकी कल देखते हैं. खा लू हाय रब इस प्यार के सदके. चल ठीक है फिर तो, अभी ये शॉर्ट्स बंद करें. तो ये था मेरा आज का व्लॉग. आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. आपके कमेंट्स, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. कुछ सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल. और बस आज के लिए इतना ही. अगले फ्राइडे कमिट तो नहीं करती फ्राइडे ही, क्योंकि इस बार भी सैटरडे हो गया. तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ.
तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें, खूब सारा इंजॉय करें, बस अपने आसपास का ध्यान रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।